वाओ, गुलाल, रंग, गुब्बारे, पिचकारी। इट सीम्स होली इज अराउंड द कॉर्नर। यस, होली इज अराउंड द कॉर्नर। होली इज अराउंड द कॉर्नर, इसका मतलब है होली आने वाली है। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं होली आने वाली है और आप सब लोग और हम लोग सब बहुत एक्साइटेड होते हैं होली खेलने के लिए। तो इस होली के इसी अवसर पर आज मैं आपको छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस और कुछ इंग्लिश के वर्ड बताऊंगी, जिससे कि इस होली पर जो आप अभी तक हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में भी आप बोल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होली जो हम खेलते हैं रंगों से, उससे पहले होती है होलिका दहन, जिसमें हम होली को जलाते हैं। तो होलिका को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन फायर। फॉर एग्जाम्पल, होलिका जलाओ, आओ होलिका जलाते हैं, लेट्स लाइट अ बॉन फायर। इसके बाद जब हम पूजा करते हैं उसके चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं, तो परिक्रमा, या फिर कह सकते हैं हम परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा लगाने की वो होती है रिवॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, होलिका के चारों ओर परिक्रमा लगाओ, रिवॉल्व अराउंड द बॉनफायर। अब नेक्स्ट डे आता है होली का त्योहार, इसमें हम रंग, गुलाल, पिचकारी इन सब के साथ खेलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलाल। गुलाल को इंग्लिश में बोलते हैं कलर्ड पाउडर। कच्चे रंग को इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट कलर, और पक्के रंग को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कलर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो तो जल्दी से मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इन तीनों चीजों में से आपको किसके साथ खेलना पसंद है। मुझे तो गुलाल के साथ यानी कि कलर पाउडर के साथ खेलना बहुत पसंद है। आप अपनी पसंद जरूर मुझे लिखकर बताइए। अच्छा, कोई भी आपको पक्का रंग लगाने वाला होता है, आप ऐसे बोलते हो नहीं नहीं पक्का रंग मत लगाओ, क्योंकि इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट अप्लाई स्ट्रॉन्ग कलर्स बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉश आउट द स्ट्रॉन्ग कलर्स। यहाँ पर हमने वॉश आउट यूज किया है छुड़ाने के लिए। इसके बाद, अब कलर से बात हो रही है तो पिचकारी को हम कैसे भूल सकते हैं। पिचकारी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉटर गन, और पिचकारी मारने को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्विड। जैसे मुझे पिचकारी मत मारो, डोंट स्क्विड एट मी, या फिर उसे पिचकारी मारो, स्क्विड एट हिम। अच्छा, इस समय हम एक दूसरे को होली में भिगो देते हैं पिचकारी से, तो यहाँ पर भिगोने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ड्रेंच। जैसे कि उसने मुझे भिगो दिया, ही ड्रेंच्ड मी, या फिर उसे आप और मत भिगो, डोंट ड्रेंच हिम एनी मोर। एक और चीज जिसमें हम होली बहुत अच्छे से खेलते हैं और बच्चों के को ये तो ये बहुत पसंद होते हैं, ये पानी के गुब्बारे। पानी के गुब्बारों को हम बोलते हैं वाटर बम्स। कोई किसी पर भी पानी का गुब्बारा मान रहा है, कोई भी आपको दिख जाए आपके, वो तो अरे जल्दी से पानी का गुब्बारा भरो, फिल द वाटर बम्स क्विकली, ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। कोई आपके चेहरे पर बुरी तरह से करल लगा देता है तो आप कैसे बोलते हैं, उसने मुझे पूरी तरह से रंग दिया है, ही हैज कलर्ड माई फेस रफली। यहाँ पर रफली मतलब बुरी तरह से रंगने के लिए हमने यूज किया है। मेरी आंखों में कलर चला गया, आई हैव गॉट द कलर इन टू माई आईज। ये तो हमने पूजा की बात कर ली, होलिका दहन पे खेलने की भी बात कर ली, अब खाने पीने की बात करते हैं। इस समय हमारी स्पेशल मिठाई बनती है होली की फेमस, जिसे हम बोलते हैं गुजिया, और नमकीन के तौर पर हम मठरी का यूज करते हैं खाने के लिए। गुजिया को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग्स, और मठरी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैकी बिस्किट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो होली पर, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि अब से आप इन चीजों को इंग्लिश में जरूर बोल पाओगे। अगर कोई भी वर्ड या सेंटेंस आपको ऐसा लगता है जो आप यूज करते हो, तो उसकी इंग्लिश आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर वो मुझसे छूट गया हो तो। फ्रेंड्स, इसी बात पर हैप्पी होली।